आप सभी देखने वाले को मैं अब्दुल हज हक मेंटर यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन में मतदान पदाधिकारी तृतीय यानी P3 का क्या कार्य कर्तव्य और कैसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, इसी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं कोशिश करूंगा बहुत ही आसान और सरल तरीके से इसको बताने की। तो इस पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे से लेके चलूंगा ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बात आप याद रखेंगे, चाहे आप P3 हो, P2 हो, P1 हो या फिर PO हो, लेकिन ये काम जो है ये टीम वर्क है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप P3 हैं तो P3 ही का काम करना पड़ जाए, हो सकता है आपको P1 का भी काम करना पड़ सकता है, P2 में भी, और फिर जो है EVM में जो अगर आपको जानकारी है, जैसे कि हम जो है CU को कैसे सील करेंगे, BU CU कैसे कनेक्ट होगा, ये सारे चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसमें हम जो है P1, P2 और P3, तो मेनली P3 का जो वर्क है उस पे जो है पूरा हम फोकस करेंगे। तो P3 पे फोकस करने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या काम है, कि वो जो है चिन्हित मतदाता सूची के जो पड़ती हुए चिन्हित पड़ती उसके वो प्रभारी होते हैं P1, और फिर जो मतदाता आएंगे उसका क्रम संख्या और नाम को जोर से पुकारेंगे ताकि जो है वो P2 और पोलिंग एजेंट सुन ले, और तीसरा काम जो पुरुष और महिला होगा उसका वो निशान लगाएंगे, फिर P2 के पास आएगा। P2 का भी मुख्यतः तीन काम में उनका ये होता है, 17A रजिस्टर में जो है उसका एंट्री करना, फिर जो है अमिट स्याही लगाना, और फिर जो है मतदान पर्ची निर्गत करना। ये तीन काम होता है P2 का। अब आते हैं P3 का भी जो है मुख्यतः तीन काम होता है। पहला काम तो ये होता है कि जो भी मतदाता पर्ची आएंगे उन सारे मतदाता पर्ची को सीरियली एक सिस्टमेटिक ढंग से रखना। दूसरा काम ये होता है अमिट स्याही चेक करना कि अमिट स्याही वोटर को लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ है तो फिर उसको लगवाना। और तीसरा और इम्पोर्टेंट काम जो होता है, या फिर ये कह लें कि इसी कार्य का जो है, जैसे आपको CU कंट्रोल यूनिट इसका ये प्रभारी होते हैं, और जो भी मतदाता आएंगे तो फाइनली बैलेट इशू यानी कि वो जो है एक बटन दबाएंगे, जब आप CU को देखेंगे तो CU में जो है एक टोटल बटन का होता है और एक राइट साइड में जो है आपको बैलेट का जो है वो बटन होता है, उस बटन को दबाएंगे, फिर वो बैलेट इशू होगा, फिर मतदाता जाके अपना वोट गिराएंगे। तो ये तीन काम P3 का होता है। मतदाता पर्ची को क्रमबद्ध तरीके से रखना क्यों ये जरूरी होता है ये आप जान लीजिए। लास्ट में जब मतदान समाप्त होगा तो आपको जो है PO कहेंगे, जो भी मतलब जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो आपसे कहेंगे कि आप जो है 50-50 का बंडल बना करके सारे मतदाता पर्ची को आप दीजिए। तो जब आप बंडल बनाएंगे, अगर आप उसमें पहले क्या होता था, एक डलिया था, उस डलिया में जैसे भी आए मतदाता उसका पर्ची लेकर के आप उस डलिया में रख देते थे। बाद में एक सिस्टेमेटिक अगर आप उसको बंडल बनाएंगे तो उसमें काफी जो है वो वक्त लगेगा। इसके लिए ये है कि आप एक स्पोक ले लेंगे या कोई तार ले लेंगे और उसमें नत्थी लगा करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे जैसे आए आप सीरियली रखते जाएंगे। बाद में क्या होगा कि आप जो है निकालेंगे और 50-50 का जो है बंडल निकालते जाएंगे, उसको रबर लगा करके वो आप दे देंगे। तो एक तो ये हो गया मतदाता पर्ची को क्रमबद्ध तरीके से सीरियली ढंग से जो है रखना। दूसरा काम ये है मतदाता के हाथ में अमिट स्याही चेक करना। अब देखिए इसमें ये लिख रहा है बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही को चेक करना, के वो इन केस में जिस केस में उसे बाएं हाथ के तर्जनी पे लगेगा वहां चेक करना, तो उसको चेक करना लगा है या नहीं है, लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ है तो उसको लगवाना है, ये हो गया। और तीसरा और इम्पोर्टेंट काम जो है वो है कंट्रोल यूनिट का प्रभारी। ये जो है CU का प्रभारी होता है, कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर मतदाता को मत देने हेतु वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति देना, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति देना। तो यही जो है मोटे मोटे मुख्यतः जो है तीन काम आपको P3 का है। अब इसके अतिरिक्त और भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारा ये प्लेलिस्ट है, इसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी अब अगला वीडियो जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो
प्रेजाइडिंग ऑफिसर का पूरे वर्क के बारे में और एक अलग वीडियो बनाऊंगा 17A रजिस्टर के बारे में। उसके बाद जो है किस तरह से हम जो है सीयू को, वीवीपैट को और बीयू को कैसे जो है कनेक्ट करेंगे, इसके बारे में पूरे जो है एक जानकारी एक वीडियो में आपको दूंगा। आप सब लोग आए देखे, इसके लिए शुक्रिया। और अगर आप चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे।